यमलोक में प्रतीक्षा के तीन दिन तीन रातें मानो तीन अनंत युग, वही निस्तब्ध सन्नाटा, वही ठहरा हुआ समय जो न बीतता है न दिखता है। हे महाकाल, सूर्यपुत्र, चेतन स्वरूप, हे यमराज, आपको शत शत प्रणाम करता है नचिकेता। तू मुझ तक चला आया नचिकेता, और वह भी बिल्कुल अकेला। स्वागत है। मैं जानता हूं नचिकेता, तू आया है स्वेच्छा से, केवल अपने पिता की आज्ञा से नहीं। हे यमराज, एक सीमा दो, एक नियम दो इस अराजक अंधकार को, अवसर दो कि पूछ सकूं साक्षात काल से, क्या है जीवन, क्या है मृत्यु, क्या है अमृतत्व। तूने साहस किया है नचिकेता, बहुत बड़ा साहस। तूने साक्षात मृत्यु से प्रश्न किया है, और वह भी उसी के साम्राज्य में प्रवेश करके। स्वागत है तुम्हारे इस साहस का। तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले इस अग्नि में झांक कर देख। आओ नचिकेता। आंखें बंद कर नचिकेता, अपनी भीतर की आंखों से देख। क्या दिख रहा है नचिकेता? हाँ, बहुत दूर प्रकाश का एक बिंदु, वह क्या है यमराज? यह ना तो अभी जीवन है ना ही मृत्यु, ये एक संभावना है, जैसे एक बीज में एक वृक्ष बनने की अंतर्निहित क्षमता। जीवन चेष्टा है इस क्षमता को, इस संभावना को पूर्ण करने की। और मृत्यु? जीवन की पूर्ति एक अनिवार्यता, जिसके बिना हम जीवन के बृहत्तर अर्थ को नहीं पा सकते, जिसके बिना हम मनुष्यता को परिभाषित नहीं कर सकते। Death is not only inevitable, it is also necessary and desirable. It is not difficult to understand the statement of Yama at an intellectual level. But do we accept death as a natural and desirable occurrence in our day-to-day existence? To find an answer to this question, I went to Allahabad to meet Maharaj in Bhuva. मुझे मुर्दों से इतना प्रेम है कि इनकी मैंने इनकी समाप्ति और इनका अंत बहुत अच्छी तरीके से हो, और इनका अंत अच्छा मिले, ये हमको मुर्दे जाते जाते आशीर्वाद दें कि बुआ जी ने अच्छा मेरी अंत कराया। 75 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। ये मेरे हाथ से तो 10 लाख का वारा न्यारा अब तक हो गया। Maharajan Bhuva is the priestess of the dead. She has been ritually dispatching the dead to the kingdom of Yama since she was 10 years old. Death has been a companion of hers for a long time. Mm-hmm.
नाम सत्य है, सबकी यही सत्य है। राम नाम सत्य है, सबकी यही सत्य है। राम नाम सत्य है, सबकी यही। बर्थ, ओल्ड एज एंड डेथ फॉर्म ए नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ, एंड येट वी नेवर रियली एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ आवर ओन डेथ। इन महाभारता यक्षा आस्क युधिष्ठिरा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ लाइफ? युधिष्ठिरा रिप्लाइज, एवरी डे वी सी पीपल डाई एंड येट वी कंटिन्यू टू बिलीव दैट वी आर गोइंग टू लिव हियर फॉर एवर। अनलाइक मोस्ट ऑफ अस, बुआ डज सीम टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ हर ओन डेथ। लोग तो नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है पुजारी। आप मौत के साथ इतना रही हैं, इतने शरीर आपने जलाए हैं, कभी आपको अपनी मौत का ख्याल आता है? बिल्कुल अपनी मौत का ख्याल आता है, इसमें जाने में क्या डर आया है? सो जाने के लिए आया है, यहाँ रहने के लिए आया। वो तो नाक से देख के मालूम हो जाता है कि यही दशा हमारी भी है और ऐसा ही अंत हमारा भी होगा। अंतरं मृत्यो अमृतम्। Rasulabad Ghat in Allahabad is one of the several cremation grounds on the bank of the Ganges. Bua told me that this ghat was once a part of the estate of her father, Lakshmi Narayan Mishra. He alone had the right to arrange the last rituals for the dead on this cremation ground. The income from the estate was substantial, but Mishra ji was not keen on managing its affairs. Gradually, the cremation ground slipped into the hands of the persons who used to work for him, and the family sank into poverty. Bua witnessed this journey from prosperity to poverty as a child. She was then called Gulab or the Rose. मैं 10 साल की अवस्था थी, माँ थी, दादी थी, पिता नहीं थे। इस कला से मुझको इस चीज़ में हाथ बटाना पड़ा। जिन्होंने लिया था मेरी जायदाद को, उनसे लेने के वास्ते मैंने ये शुरू किया। उनको बीच में इतराज़ भी बहुत हुआ कि हम नहीं देंगे, ये हमारी है। लेकिन हमने भी कहा कि ये हमारी है, आप हमारे नौकर हो। कहा नहीं, मेरी है। मैंने कहा मैं तुमको करके दिखाऊंगी कि मेरी है या तुम्हारी है। फिर जनता मेरी मेरे पीछे खड़ी हो गई कि आप लेना चाहेंगे तो हम लोग दिलाएंगे और आप लीजिए अपनी जायदाद को। पिता को घोड़े का शौक था, घोड़े की सवारी करते थे, और वस्त्र का शौक था कि अगर उनका सर का दुपट्टा हरा रहता था तो लाल उनके पहनने का कुर्ता रहता था, तो पीले रंग की धोती रहती थी। इस तरह के पिता शौक थे, और घोड़े की सवारी करना, उनको लोग रंगत महाराज, रंगत पंडित महाराज कहते थे। वो जिम्मेदार आदमी थे, रईस थे, और वो अपनी धुन में पुराने लोग जैसे आँखों में सुरमा लगा के चलते थे, मोछों में इतर लगा के चलते थे। लेकिन भगवान ने नहीं चाहा हम लोग को उस सुख न दिखा पाया हो, स्वर्गवास हो गया। राम नाम सत्य है, सबकी यही सत्य है। राम नाम सत्य है, सबकी यही सत्य है। नीचे कपड़ा छोड़ दो, आने दो, आने दो। सिर लकड़ी के भीतर रहे क्या है? ब्राह्मण है कि ठाकुर है? क्या है? बाल है। ओम कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तो प्रक्षालम देवर्षि पावित्री धारणम कृत्वा अयोध्या मथुरा माया काशी काचका द्वारा। क्या गोत्र है आपका? ओम अध्याह मूर्ते कश्यप गोत्र से। कश्यप गोत्र है मुझे मालूम है, चंदेल कि कश्यप है। Throughout the day at the ghat, the dead and their relatives are Bua's constant companions. Sometimes when her duties finish late at night, she even sleeps at the ghat in a shelter. Then,
only her youngest son Jagdish keeps her company. Jagdish calls her Jagdamba, the mother of the world. Jai Ma. जगदीश, आप अपनी माता को जगदम्बा क्यों बोलते हैं? सभी संसारी को तुम माँ कहते हैं, बुआ कहते हैं बुआ। वो जगदम्बा तो है ही, न जाने कितने को मुक्ति उन्होंने दिया, न जाने कितनों को उन्होंने तारा संसार में, इसलिए जगदम्बा तो है ही। गुलाब वॉज मैरिड ऑफ व्हेन शी वॉज ओनली 7 years old. टू टेक ओवर हर फादर्स वर्क, शी नाउ नीडेड her father-in-law's permission. She was wanting to enter a world where no women were allowed. Naturally, her father-in-law was not very happy with her decision. जहाँ बचपन में जहाँ से भद्दा कुछ दिखता है, वहाँ अब जवान होने में खूबसूरत भी दिखने लगता है। हर एक कारण आगे आगे नज़र आते थे, पुराने लोग थे, हर एक कारण नज़र आते हुए उन्होंने हमको समझाया कि आप ऐसा ना सोचो भाई। हमने कहा कि हमको अपनी जायदाद देना है, पिता का नाम ऊंचा करना है, पिता के नाम की जायदाद देना है और हम इसमें जरूर भिड़ेंगे। उन्होंने कहा उम्र तो ऐसी नहीं भिड़ने वाली, हमारी बदनामी हो जाएगी। कोई बदनामी नहीं, हम जो कुछ है हम इस बदनामी को झेल के हम आपको दिखाएंगे। तो उनके गले से मैंने अंगोछा ले लिया। बाबूजी, जब तक आपका यह अंगोछा मेरे कंधे पे है, तब तक आपकी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी है। जैसी तेरी इच्छा बेटी। जलती हुई अग्नि मुंह पर छिप छुड़ाइए। नमः स्वाहा, लोभ्याय नमः स्वाहा, स्वर्ग लोकाय नमः स्वाहा, स्वर्ग लोकाय नमः स्वाहा। नीचे लगा, बोलो गंगा मैया की, बोलो प्रयागराज की। As I observed Bua more closely, I made a strange discovery. The most surprising thing about her was not the nature of her work. It was her extraordinary capacity to lead an ordinary life despite death being her constant companion. So close to death and yet so close to life. Mara naam girdhari hamara radhika pyari, tumara naam girdhari hamara radhika pyari, tumare sir mukut so hai hamare सिर पे साड़ी है। बुआ, आप अकेले क्यों रहती हैं यहाँ? मन अकेले क्या चाहता है? अकेले संसार में आया है, अकेले जाएगा। अकेले रहना अकेले, अकेले पाप है, अकेले पुण्य। कोई किसी का ना पुण्य बांटेगा, ना पाप बांटेगा, ना धर्म बांटेगा, इसलिए मैं अकेली पसंद है जहाँ रहूँ अकेली।
सुबह होकर घर से निकलते हैं तो एकाध बीड़ा पान खाया, पान खाने के बाद यही दुकान नेत्राम की दुकान याद हो गई और चले वहाँ कुछ खा ले, पानी पी ले तो आगे बढ़े। चाहे 10 बजे खाना मिले और चाहे न मिले दिन भर और चाहे रात में मिले न मिले, लेकिन यहाँ पहला भोजन हमारा यही होता है। उसे किसी दुकान पे हमको मनाही नहीं, परंतु यहाँ तो अपना दावा के साथ में आके भोजन कर जाते हैं। कह दो सनीमा चोरी से भागत रहे, डंडा पावत रहे, माँ के घर निकल जाते। अरे तो कह तो रही हो ना। ले लो, कितने रुपए? 10 रुपए। 10 रुपए का एक माला। आपको किसी ने बताया आप मुस्कुराती बहुत अच्छा है, हंसती बहुत अच्छी लगती है? अब तो दांत टूट गए बेटा, अब क्या मुस्कुराएंगे हम? बुआ, आप पूर्व जन्म और आगे के जन्म में विश्वास करती हैं? नहीं, विश्वास नहीं है, ना इस जन्म का विश्वास है ना उस जन्म का विश्वास है। जो अब कर रही हूँ उसी का विश्वास धारण कीजिए कि तुम अच्छा कर रही हो या बुरा कर रही हो, जैसा भी कर रही हूँ मुर्दे के साथ में मोह करके कर रही हूँ। अगला पिछला जन्म छोड़ दीजिए, वहाँ कोई देखने नहीं जाएगा, यही देखेंगे सब लोग। और अमर कौन होता है? अमर कौन रहा है संसार में? कौन है अमर बताइए हमको, किसी पद्धति में लिखा हो अमर बताइए। और अमरत्व क्या है यमराज? सब कुछ इसी जीवन में है नचिकेता, जन्म भी मृत्यु भी अमरत्व भी, इसके बाहर कुछ नहीं, केवल कुछ नहीं का तटस्थ मौन। इस तटस्थ मौन को अर्थ देना अमरत्व है। Bua knows that death does not negate life. For her, life and death are a duet that she hears every day at the ghat. At the cremation ground, life goes on even while the dead are being consigned to fire. A cremation ground is not only a place where death and life coexist, it is also a place where death supports life. जगदीश, एक शरीर को जलाने के लिए किस किस सामान की आवश्यकता है? जलाने के लिए तो लकड़ियों की आवश्यकता है, राल धूप लगता है, देसी घी लगता है, अगरबत्ती, कपूर, दसांग, चंदन, ये सब सामग्रियाँ इकट्ठा की जाती हैं। इसमें लगभग 1500-1500 रुपये तक खर्च आते हैं, और बड़े आदमी हो जैसे और अमीर आदमी हुए तो अपना 2000-3000 जितना भी खर्च करें, जितना भी चंदन लकड़ी बढ़ा लें, लकड़ी और बढ़ा लें, लेकिन औसतन इसमें 1500-1600 रुपये का खर्च पड़ता है। अब इसमें बुआ की कितनी दक्षिणा रहती? अम्मा की तो 51 रुपये तो लेती हैं, और बहुतों से तो ले भी नहीं करती। बहुत गरीब आदमी आ जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता, उनसे लेती भी नहीं, और जैसे अमीर आ गए तो उनको जो देना हुआ दिए, उनसे डिमांड नहीं रहती कि मांगी कि हमें इतना दो। और जो शरीर जलाता है, जो आदमी एक शरीर जलाता है, वो क्या लेता है? और घाटों पे तो 150-200 दिलवाते हैं लोग, हम अपने घाट पे 40 रुपये जलवाई दिलवाते हैं और 10 रुपये आग का कर जो होता है ये दिलवाते हैं, यानी 50 रुपये एक बॉडी में हम दिलवा देते हैं। At Rasulabad Ghat, several families are engaged in selling firewood for burning the dead. Initially, I felt uncomfortable by the nature of their business. But on further reflection, I realized that they were only making an honest, even though a precarious living. यहाँ पे कितनी टाले हैं और आपका नंबर कितने दिनों में या हर रोज कितनी दफा आता है? सब 16 दुकान हैं, 16 माल मट्टी 3 आए, 4 आए, 5 आए,
पहला से लेकर 16 तक जब पूर्ण होता तक दुकान न लगेगी। जब तक 16 पूर्ण हो जाए तब फिर दोबारा लगेगा। यानी मट्टी कोई तादा नहीं कि 10 आ जाए, 5 आ जाए, 15 आ जाए, एको नहीं आवे, ये तो घाट है साहब। एक शरीर को जलाने के लिए कितनी लकड़ी लग जाती है? जैसा बाड़ी हो, छोटा बाड़ी है तो 7 मन है, बड़ा बाड़ी है तो 9 मन लकड़ी लग जाता है। और इस पर कितना खर्चा आ जाता है? करीब 700 से 900 रुपये तक खर्चा आ जाता है एक एक बाड़ी पर। तो एक दफ़ा जब आप लकड़ी देते हैं उसमें कितना कमा लेते हैं? 100 रुपये 125 रुपये बस। तो आपका लकड़ी बेचने से आपका परिवार पल जाता है? नहीं पलता साहब, दूसरा धंधा कर लेते, खेती है, बाड़ी है, ये सब कर लेते हैं। नहीं चाक दुकान खोल लेते हैं, मच्छी भी मार लेते हैं, न चले पर काम धंधा काम कर लेते हैं। तो ये खेती बाड़ी आप कहाँ करते हैं? ये कसार में करते हैं, गंगा जी की रेत में है। Death not only supports life indirectly, life literally feeds on death. At the ghat, dogs and fish eat the remains of the dead. The fish is caught by the fishermen and becomes food for the living. As light cannot exist without darkness, so can life not exist without death. Death creates the need to invest life with meaning. Mortality is an essential condition for morality. अगर जीवन में मौत नहीं है तो क्या इंसान अच्छा बनने की कोशिश करेगा? कुछ कोशिश नहीं करेगा, कोई कोशिश नहीं हो सकती। अगर मौत में आए तो अच्छा बनने की कोशिश ना करेगा, नहीं कर सकता। In our own simple but profound way, Maharaj and Bua seems to have resolved the apparent contradiction between life and death. Death in the natural order is not the end of life, but its fulfillment, a step towards immortality. मृत्यु तो एक बहुत अच्छी चीज है और साथी है। इसको तो जान लेना चाहिए कि जो आया है जिंदा हो कि उसकी मृत्यु होना ही जरूरी है। यही नरक है, यही स्वर्ग है। अच्छा लोग जाते जाते कंधे पे लिए जाते, बड़ा बदमाश था ससुरा, बड़ा आईबी था ससुरा, अच्छा हुआ मर गया। और जो चला जा रहा है बड़ा अच्छा था, बहुत नेक आदमी था, मर गया, अरे राम राम, बड़ी तकलीफ हुई। हम लोग को बहुत सहायता करता था, बड़ा हम लोग के पीछे जानते, मैंने वही बुराई अच्छाई सुन रहे हैं लोग, वही स्वर्ग हो रहा उसके लिए। मृत्यु होना जरूरी। अरे वैसे तो मोह, पारिवारिक मोह सताते ही है, ये क्यों भूलते हैं? परिवार जहाँ पर रहता है तो ये मेरा परिवार क्या करेगा, तो मेरे बेटे क्या करेंगे, मेरी लड़की क्या करेगी, मेरी बहुएं क्या करेंगी, किस तरह जीवन चलाएंगी। लेकिन सबको ज्ञान हो जाता है जीवन चलाने का, और मृत्यु होना ज़रूरी है। क्या उनके अज्ञानता से और उनके नहीं करने से क्या मृत्यु मेरी रुक सकती है? नहीं रुकेगी। जब वृद्ध हो जाए आदमी और हाथ पैर न चले उसको, और वो कोई काम न कर सके, एक गिलास पानी उठा के न पी सके, तो क्या करेगा जी के? मौत आना जरूरी है।
मृत्यु का कोई रहस्य नहीं है नचिकेता, जीवन ही संपूर्ण रहस्य है जो मृत्यु को भी रहस्यमय बनाता है। तू जिज्ञासु है नचिकेता, निडर होकर मेरी मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर देख, वहां भी तुम्हें जीवन ही दिखाई देगा। कहीं उसका संतरास, कहीं उसका व्यामोह, कहीं उसकी करुणा, कहीं उसकी मुक्ति, कहीं उसकी तृप्ति। यत्ते अपो यदोषधि मनो जगाम दूरकम् तत्ता आवर्तयामसि हक्षयाय जीवसे। Your being which has gone far away and has merged with the waters and the plants, may it return to you and to us, that it may live and dwell here once again. Yatte vishvamidam jaganmano jagamadurakam tatta avartayamasi hakshayaya jivase. Your being which has gone far away and has become one with the universe, may it return to you and to us, that it may live and dwell here once again.